नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने दी जानकारी। टीम गठित कर पिछले दो दिनों से किया जा रहा था पीछा। डिकॉय भेज कर किया लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़। डिकॉय के साथ 40,000 रुपए में लिंग जांच करवाने का हुआ था सौदा तय। पकड़ा गया आरोपी विनोद कुमार गांव पनिहारी का रहने वाला है। लिंग जांच के नाम पर 35,000 से 40,000 रुपए की करते थे ठगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की यह रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले विनोद कुमार नामक के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। विनोद गांव पनिहारी का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना मिली थी। एक लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सिरसा में सक्रिय है। इस बात की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से एक टीम का गठन किया और पिछले दो दिनों से यह टीम विनोद के पीछे लगी हुई थी। आज स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस की सहायता से पुलिस की टीम का एक डिकॉय भेज करके पनिहारी निवासी विनोद को पकड़ लिया है। वहीं सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जिला में लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस की मदद से एक टीम गठित की गई और पिछले दो दिनों से पनिहारी निवासी विनोद का वह पीछा कर रही थी। उन्होंने बताया कि एक डिकॉय भेज कर विनोद के साथ 40,000 रुपये में लिंग जांच का सौदा तय किया गया। विनोद डिकॉय को एक निजी अल्ट्रासाउंड में लेकर गया और बाहर आकर थोड़ी देर में रिपोर्ट देने की बात कही। उसी समय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की टीम के साथ उसे 5,000 रुपये की राशि के साथ काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है और विनोद के साथ दो अन्य युवकों को भी पकड़ा है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या ये युवक भी इस गिरोह में शामिल है। वहीं सीएमओ ने बताया कि अभी तक किसी अल्ट्रासाउंड मशीन या अल्ट्रासाउंड सेंटर के शामिल होने का प्रमाण नहीं मिला है। हमें कोई कल से इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से कोई सेक्सप्लेनेशन करवाता है, कोई ग्रोह है, तो उसका हम कल से फॉलो कर रहे थे और आज ये पकड़ में आया है। तो जिसमें पीएनडीटी एक्ट का वायोलेशन है, अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं और इनकी बयान ले रहे हैं। तो किस तरह की शिकायत सामने है, कैसे आपने डिकॉय भेजा था, कैसे क्या यही मिला था? कोई हम लोग सेक्स इंफॉर्मेशन को आते हैं, लड़का होने की या लड़की बताते हैं। हाँ, ये हमारा 40,000 सौदा हुआ था। अभी मैं 40,000 में करवा के आपको बताऊंगा सेक्स इंफॉर्मेशन। तो क्या पहले ही इसके साथ कोई इस तरह का मामला? नहीं, पहले का मामला नहीं है। इसे मनी भी रिकवर हुई है अभी 5,000 रुपये की। ये डॉक्टर बताया जा रहा है पहले इसी हॉस्पिटल में जैसे कोई गुदारा लैब है उस पर काम किया करता था, गलत है? नहीं, ऐसी अभी जानकारी नहीं है, अभी जानकारी। सर, किस तरह से इसको काबू कैसे? हाँ, तो हमने एक टीम बनाई, दो डॉक्टरों ने धारी टीम बनाई और एक डेकोर हमने भेजा, तो जो टाउट से मिला वो और टाउट वो जो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लेके गया, वहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और बाहर आके कहीं सेक्स डिस्क्लोज किया इसने। दो साथी और हैं, उनकी भी संदिग्ध हम देख रहे हैं।